तो वहीं एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। सड़कें बंद होने के कारण अब करोड़ों की कीमत का जो सेब है वो सड़ रहा है। बागवानों को भी परेशानी हो रही है। रिस्टोरेशन को लेकर अब सरकार की गति धीमी है, ये निशाना साधा गया जयराम ठाकुर की तरफ से कि रिस्टोरेशन को लेकर सरकार धीमी गति से काम कर रही है और लाखों रुपए का सेब खराब हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का बागवानों का सेब खराब हो रहा है, करोड़ों की कीमत का सेब है, बागवान परेशान हो रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान है और खास तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि बागवानों के लिए बहुत खराब ये परिस्थिति है कि बगीचे में सेब तो लगे लेकिन सेब मार्केट तक नहीं पहुँचने के कारण उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ में मरीज बीमार हैं तो उनको मार्केट उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कठिनाई है। PSC एक ऐसे स्लैब के नीचे वहाँ पर फंक्शन कर रही है जहाँ कुछ भी नहीं है, वो भी उसको हमने अधिकारियों के साथ आज बातचीत की है कि कुछ स्थान तय कर लें यहाँ पर जहाँ पर PSC को फंक्शनल थोड़ा सा कर सके ताकि कोई पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो सके। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार अच्छी तरह से काम करे लेकिन गति बहुत धीमी है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। रात दिन आजकल सड़कों को रिस्टोर करने का काम होना चाहिए, वाटर सप्लाई को रिस्टोर करने का काम होना चाहिए ताकि लोगों को राहत।